हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब वेंस के अल्टरनेटिव ऐप के बारे में बताने वाला हूं। आज मैं आपको ऐसे चार अल्टरनेटिव बताऊंगा जो कि बिल्कुल यूट्यूब वेंस की तरह ही सिमिलर हैं। ये अल्टरनेटिव ऐप आपको वो सारे फ्यूचर प्रोवाइड कराता है जो कि यूट्यूब वेंस आपको देता था, जैसे यूट्यूब बैकग्राउंड लिसनिंग, बैकग्राउंड प्लेइंग, कन्वर्ट यूट्यूब वीडियो टू MP3, कन्वर्ट यूट्यूब वीडियो टू MP4, अलाउ सब्सक्रिप्शन, रिड्यूस मोबाइल डाटा यूसेज, बैकग्राउंड म्यूजिक, पिक्चर एंड पिक्चर, एंड देन लास्ट में YouTube म्यूजिक एंड YouTube सपोर्ट। ये सभी फ्यूचर आपको मिलने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप भी इन सभी फ्यूचर के साथ YouTube वेंस के अल्टरनेटिव ऐप को यूज करना चाहते हैं, लास्ट तक जरूर वॉच करें। आज की इस वीडियो में आपको चार ऐसे अल्टरनेटिव बताने वाला हूं जिन्हें आप यूज करके आपको मजा आने वाला है। अल्टरनेटिव ऐप को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई इस प्रकार का वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए मैं आपको बताता हूं जो पहले नंबर पर हमारा अल्टरनेटिव ऐप है वो कौन सा है। वो है न्यूपाई। न्यूपाई पे एक ओपन सोर्स यूट्यूब एप्लीकेशन है जिसमें आपको ऐसे फ्यूचर मिल जाते हैं जो कि आपको यूट्यूब भी प्रोवाइड नहीं कराता है। न्यूपाई डिफॉल्ट रूप से आपके क्षेत्र के हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज, आप अपनी कंट्री को चूज कर सकते हैं। न्यूपाई में आपको काफी सारे ऐसे फ्यूचर मिल जाते हैं जिन्हें आप जानकर के हैरान होने वाले हो, जिसमें से 9 फ्यूचर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए पहले न्यूपाई का इंटरफेस देख लेते हैं, उसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको 9 फ्यूचर बताने वाला हूं। सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना है, सबसे पहले हमें न्यूपाई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हम न्यूपाई एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर न्यूपाई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर टॉप में आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको मिलता है जो ट्रेंडिंग आपकी वीडियो होती है वो आपको देखने को मिलेंगी। सेकंड वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जो आपके सब्सक्रिप्शन होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और तीसरे ऑप्शन में आपको यहाँ पर चैनल के ग्रुप्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, न्यू ग्रुप बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। लास्ट वाले में आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट वगैरह देखने को मिलेंगी जो कि अभी मैंने यहाँ पर बनाई नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है अभी, आप यहाँ पर प्लेलिस्ट वगैरह बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर वीडियो प्ले करके देखते हैं आपको यहाँ पर बॉटम में तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जो पहला ऑप्शन है वो है कमेंट का, आप यहाँ पर कमेंट वगैरह सब देख सकते हैं। एंड सेकंड नंबर वाला जो हमारा ऑप्शन है उस पर हम यहाँ पर स्ट्रीमिंग की वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी स्ट्रीमिंग की वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड देन लास्ट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से न्यूपाई एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपने न्यू पाइप का इंटरफेस देख लिया, अब मैं आपको इसके 9 फ्यूचर बताने वाला हूँ। तो पहला हमारा फ्यूचर क्या है, नंबर एक एड फ्री। जब आप न्यू पाइप को यूज करते हो तो आपको कोई भी विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब आपको कोई भी एड देखने को नहीं मिलेगा। नंबर दो प्राइवेसी फोकस्ड, ये एक कंसिडर्ड प्राइवेसी फ्रेंडली अल्टरनेटिव है जो आपकी प्राइवेसी के लिए अनुकूल विकल्प माना जाता है। नो रजिस्टर रिक्वायर्ड, मतलब आप जैसे बहुत सारे ऐप को यूज करते हो तो उनको पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद आप यूज कर सकते हो। न्यूपाइप में ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे बिना रजिस्टर किए यूज कर सकते हो। नंबर 4 टेक्स्ट टू स्पीच, न्यूपाइप आपको टेक्स को वॉइस में कन्वर्ट करने की अनुमति देता है। डार्क मोड, आप इसे डार्क मोड में भी यूज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। नंबर 6 लाइट वेट, न्यूपाइप अदर अल्टरनेटिव के मुकाबले बहुत कम डिवाइस का उपयोग करता है। साथ नो ट्रैकिंग, मान लीजिए आपने अपने स्मार्टफोन में न्यूपाइप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है, इसके मुकाबले आपने अपने स्मार्टफोन में और भी कोई ऐप इंस्टॉल किया तो वो आपको क्या करता है, आपके पर्सनल डाटा की परमिशन लेता है। लेकिन न्यूपाइप में ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी पर्सनल डाटा की परमिशन नहीं लेता है, इसलिए मुझे ये काफी अच्छा लगता है। नंबर 8 वर्क ऑफलाइन, मान लीजिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। 9 MP3 डाउनलोडर, न्यूपाइप आपको MP3 फॉर्मेट में डाउनलोड करने की अनुमति देता है जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप। हमारे न्यूपाइप के फ्यूचर जो कि मुझे बहुत एक्टिव करते हैं और यूज करने में भी बहुत इजी हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड अल्टरनेटिव की, वो कौन सा है, वो है स्काई ट्यूब। आप स्काई ट्यूब को भी बहुत इजी तरीके से यूज कर सकते हैं, इसमें आपको वो सारे फ्यूचर भी मिलने वाले हैं, हो सकता है एक दो फ्यूचर ना मिले बट सिमिलर ही है। नंबर 3 पे आता है लिब्रा ट्यूब, ये भी एक बेस्ट अल्टरनेटिव है स्ट्रीमिंग के लिए, वीडियो के लिए। ट्यूब भी एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जिसका आप यूज विदाउट एड कर सकते हैं। जो फ्यूचर इन अल्टरनेटिव एप्लीकेशन में मिल जाता है वो हमें यूट्यूब भी नहीं देता है और बहुत ही इजी तरीके से यूज भी कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे 4th नंबर की, वो कौन सा है, वो है यूट्यूब प्रीमियम। आप उसका प्रीमियम वर्जन लेकर के उसको चला सकते हैं विदाउट एड, उसे यूज कर सकते हैं। आप इन सभी अल्टरनेटिव को अच्छे से यूज कर सकते हैं और इनका मजा ले सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे जो बेस्ट लगता है वो है न्यूपाइप। आप भी कमेंट करके बताएं आपको इसमें कौन सा बेस्ट लगता है। डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और
और कमेंट करके जरूर बताएं आपको इन अल्टरनेटिव में से कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव लगता है। करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब। आपको इस तरह के कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।